नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं नॉलेज बज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप इनको काफी आसानी से याद कर सकते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में, और इसको याद करने का जो ट्रिक्स है वो मैं बता देता हूँ आपको। जहाँ भी आप W देखें, W यानी वर्ल्ड, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम वर्ल्ड से स्टार्ट हो, W से स्टार्ट हो और O पे खत्म हो जाएगा। O का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन, यानी वर्ल्ड शुरुआत में होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन लास्ट में होना चाहिए। इसी तरह आई से इंटरनेशनल हो गया, ओ से क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अगर इंटरनेशनल से स्टार्ट है और ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होता है? जेनेवा में होता है। जैसा हम लोग देख लेते हैं, पहला क्या है? WTO। WTO का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। अगला जो है WHO, तो ये भी W से स्टार्ट हुआ, O पे खत्म हुआ, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है। अगला क्या है? WMO, फिर से वर्ल्ड से स्टार्ट हुआ, O पे खत्म हुआ, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। उसके बाद अगला क्या है? वाइपो। वाइपो देखिएगा, W से स्टार्ट हो रहा है ना, O पे खत्म हो रहा है, और इसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा में है। अगला क्या है? अगला है ILO, ये आई से स्टार्ट हो रहा है, O पे खत्म हो रहा है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? जिनेवा में होगा। फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म क्या है इसका? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो आई से शुरुआत हुआ, O पे खत्म हुआ, तो आपको याद क्या रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? जिनेवा में होगा। अब दोस्तों, हम उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं जिनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। तो यहाँ आपको जो ट्रिक ध्यान में रखना है ना, यूनाइटेड, जहां भी यूनाइटेड हो, आपको अगर आंसर नहीं पता है तो आप क्या कीजिएगा? न्यूयॉर्क लगा दीजिएगा, क्योंकि उनका हेडक्वार्टर अधिकतर केस में न्यूयॉर्क ही होता है, कुछ कुछ केस में न्यूयॉर्क नहीं भी हो सकता है, पर आपको क्या करना है? न्यूयॉर्क लगा देना है अगर आपको नहीं पता है तब, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि न्यूयॉर्क में किसका किसका हेडक्वार्टर है, न्यूयॉर्क के किसका किसका हेडक्वार्टर है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यूनाइटेड नेशन, UN, यू का मतलब यूनाइटेड हो गया, नेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? न्यूयॉर्क में। उसके बाद क्या है? यूनिसेफ, UNICEF, यूनिसेफ का फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? न्यूयॉर्क में हो गया, USA। तो यहाँ ध्यान देना है, यूनाइटेड है इसलिए न्यूयॉर्क है। उसके बाद UNFPA का हेडक्वार्टर क्या कहा हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा, क्योंकि इस बार भी यू का मतलब क्या है? यूनाइटेड है। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। उसके बाद अगला जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। तो आपने देखा कि जहां भी यूनाइटेड से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम स्टार्ट होता है तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। अब दोस्तों, हम उन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं जिनका हेडक्वार्टर Washington DC में है, और इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, मैंने अलग किया है, Washington DC में जितने भी हेडक्वार्टर है उनको अलग किया है मैंने। तो अब यहाँ सबसे पहले बात करते हैं नासा। नासा जो है, आप लोगों को पता होगा कि नासा क्या है, तो नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे? Washington DC, USA में। अगला है WB। WB का मतलब क्या है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? Washington DC में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वर्ल्ड तो है पर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ लिखा है ना WB। अगर ऑर्गेनाइजेशन होता तो आपको मैंने ट्रिक बताया था, आपको सीधा जिनेवा लगा देना था, पर यहाँ आपका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? Washington में हो गया। अगला क्या है? IMF। IMF काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? Washington DC, USA में। अब दोस्तों, हम उनके बारे में बात करते हैं जिनका हेडक्वार्टर वियना में है। तो सबसे पहले क्या है? IAEA, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना में है इसका हेडक्वार्टर। अब ये ज्यादातर एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला क्या है? UNODC। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना में होगा इसका भी हेडक्वार्टर। अगला क्या है? यूनाइडो, UNIDO। अब ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये काफी बार एग्जाम में पूछे गया है। तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी क्या है? वियना में है। अगला क्या है? ओपेक, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है और इससे मिलता जुलता होता है एक एपेक, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी बात करते हैं ओपेक के बारे में। OPEC, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, आपको याद रहना चाहिए ये। इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? वियना में। अब दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कॉमनवेल्थ है। कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में। और ये अभी हाल फिलहाल में हुआ था कॉमनवेल्थ, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्या है? IMO। आई का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो गया? जिनेवा होना चाहिए था, पर इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये ट्रिक पे यहाँ काम नहीं आया, ट्रिक हमारा जो हमने मैंने आपको बताया था, तो ये यूनिक केस हो गया, आपको इसको याद रखना है। अगला क्या है? FAO। FAO का फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? रोम में। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है इससे क्वेश्चन। अगला क्या है? सार्क। सार्क एशिया का है तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सार्क का फुल फॉर्म देख लेते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? काठमांडू। काठमांडू कहाँ पे? नेपाल में। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, और ये एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्या है? एशियन। एशियन भी एशिया का हो गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट होगा। एशिया, एशियन का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जकार्ता। ठीक है, जकार्ता कहाँ पे? इंडोनेशिया में है। अगला इंटरपोल। इंटरपोल भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे? लियोन्स फ्रांस में। उसके बाद नाटो, NATO, नाटो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रुसेल्स में। अगला क्या है? एपेक। एपेक के बारे में मैंने बोला था, एपेक और पिछले स्लाइड में मैंने ओपेक बताया था, तो एपेक और ओपेक अलग है। एपेक एशिया का है और ओपेक वियना का है। तो एपेक कहाँ पे हो गया? सिंगापुर में इसका हेडक्वार्टर है। और अगला क्या है? सबसे लास्ट क्या है? ADB। ADB भी एशिया का हो गया, तो ये इम्पोर्टेंट है और ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ADB। ADB का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मनीला। अब दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सार्क के बारे में। तो सब पूछा जाता है सार्क में टोटल कितने देश है, तो आपको याद रखना है सार्क में टोटल 8 देश है। अब पूछा जाएगा कि सार्क में जो टोटल 8 मेंबर है उनके नाम भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि कौन सा देश इनका सदस्य है या कौन सा देश इनका सदस्य नहीं है। तो आपको पहले 8 देश के बारे में जानना होगा, उनके 8 मेंबर के बारे में जानना होगा कि कौन कौन सा देश है उनका 8 मेंबर में आता है। तो इसको याद कैसे कीजिएगा? IPS, बैन, BM। तो IPS आई का मतलब क्या हो गया? इंडिया। पी का मतलब हो गया पाकिस्तान। एस का मतलब हो गया श्रीलंका। बी का मतलब क्या हो गया? बांग्लादेश। ए का मतलब क्या हो गया? अफगानिस्तान। एन का मतलब क्या हो गया? नेपाल। बी का मतलब क्या हो गया? भूटान। हो गया मालदीव। तो सबके सब एशियन कंट्री है। अब एक और ट्रिक है इसको याद करने का, तो आपको याद रखना होगा कि 7 ऐसे देश है जो क्रिकेट खेलते हैं, मालदीव को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबके सभी क्रिकेट खेलते हैं, जिनमें से 4 इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सा? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका। ये चारों देश क्रिकेट में काफी नाम है इनका। उसके बाद अफगानिस्तान भी अच्छा देश है जो क्रिकेट अभी खेलता है, वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई हुआ अफगानिस्तान। और नेपाल भी खेलता है क्रिकेट पर क्वालिफाई नहीं होता है, ठीक है। और भूटान भी शायद क्रिकेट खेलता है। तो ऐसे आप 7 देश याद कर लिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम ब्रिक्स के बारे में। तो ब्रिक्स का जो ब्रिक्स में टोटल कंट्री है ना, वो 5 मेंबर है ब्रिक्स के।
और ब्रिक्स में पहले चार थे, अभी पांच हो गया। साउथ अफ्रीका एक नया मेंबर आ गया ब्रिक्स का। तो ब्रिक्स में जो पहला देश है वो बी फॉर ब्राजील होता है, आर फॉर रसिया होता है, आई फॉर इंडिया होता है, सी फॉर चाइना होता है, एस फॉर साउथ अफ्रीका होता है। अब बात करते हैं इप्सा के बारे में। तो इप्सा में टोटल तीन देश है। आई का मतलब क्या होता है? इंडिया। बी फॉर होता है ब्राजील। एस फॉर एस ए का मतलब क्या होता है? साउथ अफ्रीका होता है। यहाँ तीन देश हो गया। अगला क्वेश्चन बनता है यूनाइटेड नेशन में कितने सदस्य है? तो यूनाइटेड नेशन में टोटल कितने सदस्य है? 193।